तक के जमाती या उनके कांटेक्ट में आए लोग, कितने लोग ऐसे हैं जो अभी भी छुपे हुए हैं कानपुर में, या कितने लोगों की लिस्ट है आपके पास? देखिए, हम लोग विभिन्न माध्यमों से इस बात की जानकारी कर रहे हैं कितने लोग ऐसे थे जो निजामुद्दीन जमात में सम्मिलित हुए थे, और वहाँ से सम्मिलित होने के बाद मार्च के महीने में, विशेषकर 15 मार्च के बाद कानपुर में आए हैं। इसके लिए हम लोग सर्वेलेंस का भी सहारा ले रहे हैं, लोकल इंटेलिजेंस का सहारा ले रहे हैं, पब्लिक जो आम जनता के लोग हैं उनसे भी पूछताछ की जा रही है। अब तक हम लोगों ने 59 लोगों को इसमें चिन्हित किया है, और उन सबका हमने कोरोना का परीक्षण कराया है, जिसमें से अब तक 10 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं, और इन लोगों को इनको इलाज हो रहा है, और इस पर लगातार काम जारी है। और जिस एरिया में ये लोग आकर के रुके थे, जिन मस्जिदों में आकर के रुके थे, उन एरियाज को हॉट स्पॉट घोषित कर दिया गया है, उन एरियाज को सील कर दिया गया है, ताकि यदि वहाँ पर यदि किसी को ये कोरोना फैला हो उन लोगों के संपर्क में आने से, वो आगे ना फैल पाए। और वहाँ पर हम लोग होम डिलीवरी कर रहे हैं ताकि लोगों को घर से बाहर ना निकलना पड़े। सर, ऐसा भी कुछ है कि अभी भी कुछ ऐसे लोग हैं जो मतलब से रिलेटेड रहे, उनके कॉन्टैक्ट में रहे, और अभी वो सामने नहीं आए? देखिए, इसको बार बार हम लोग चेतावनी दे रहे हैं कि स्वयं ऐसे लोग जो वहाँ पर गए थे, मरकज में गए थे, जमात में सम्मिलित हुए थे, अपनी सूचना स्वयं पुलिस को दे दें। यदि कोई व्यक्ति उनके संपर्क में आया है, जैसे आज भी औरैया जनपद में 2 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जो ऐसे लोग थे जो स्वयं वहाँ पर नहीं गए थे, लेकिन उन्होंने जो लोग जमात से वापस आए थे उनको अपनी मस्जिद में ठहराया था, उनके खाने पीने का प्रबंध किया था, उनको रखने का इंतजाम किया था, अब वो स्वयं पॉजिटिव पाए गए हैं। तो इसी तरह की संभावना यहाँ भी हो सकती है कि जो लोग यहाँ पर पॉजिटिव पाए गए हैं, मरकज से वापस आए थे, उन लोगों को, जिन लोगों ने टच में आए होंगे, वो पॉजिटिव हो सकते हैं, तो स्वयं आकर के अपना परीक्षण करा लें, अपने को बता दें। यदि पुलिस उनको बाद में पकड़ती है तो फिर उन पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी, उन पर जुर्माना लगाया जाएगा, मुकदमा दर्ज किया जाएगा। इस बात को हम लोग बार बार कह रहे हैं और ये कार्रवाई की जाएगी।